आप ना बिना पूरा ब्लॉग देखे ऐसे नेगेटिव कमेंट मत किया करो। और वैसे ना हमें मतलब हमने मछली बनाई भी नहीं, पसंद नहीं है तो बनाना दूर की बात है। मैंने वो चौलाई से बनाई थी। और तो कहीं लोगों का कमेंट, गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे कि ये हो, ये मछली खा रहे हैं वो का, तो पूरी वीडियो देखना। आप सभी को मेरा प्यार है, नमस्ते। मेरा नाम है मौनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के छोटे से गांव रैड गांव से। स्वागत है आपका मौनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 9 बजे से हो रही है, मैं रेडी भी हो गई हूँ। और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो वैसे तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, घर में ही जल चढ़ाया हमने, तो घर में पूजा पाठ कर ली है। और हर सोमवार के दिन ना जल चढ़ाया जाता है, पर हम तो हमेशा जल चढ़ाते हैं। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है फाटा मार्केट जाने की, और वैसे तो रोड भी ब्लॉक हो रखी है, तो देखते हैं फाटा जाएंगे या तो गुप्त काफी जाएंगे, तो चलते हैं। तो चलिए जी, अभी हम ना घर से भी निकल गए हैं, अभी ना हम ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं। बाकी ना यहाँ ऊपर काफ़ी बड़ा चट्टान है जो कि कल रात टूटा। ये देखिए पूरा चट्टान ऊपर से टूटा, भाई बाप रे, काफ़ी ज़्यादा खतरा है और काफ़ी डेंजर चट्टान भी है। मतलब पौड़ टाइप का है, इसको हमारे पहाड़ों में पौड़ बोला जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो रखा है यहाँ। बाकी यहाँ नीचे काफ़ी सारा पानी है और कीचड़ तो बोले हैं क्या, तो रास्ता भी कुछ इस तरह से हो रखा है यहाँ। तो चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। साथ में हमने पानी की बोतल भी रख रखी है क्योंकि रास्ते में प्यास लगती है। बाकी यहाँ पर देखिए भाई, ऊपर से काफ़ी सारी बूंदें गिर रही हैं पानी की, यहाँ पर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बूंदें पड़ रही हैं और यहाँ नीचे पे ना दो छोटे छोटे वाटरफॉल हैं जो कि बरसात के टाइम में दिखाई देते हैं, और यहाँ काफ़ी भयंकर आते हैं। जब बारिश लगती है तो काफ़ी भयंकर आते हैं भाई। तो ये देखिए, और इस रास्ते से आना ना बरसात के टाइम खतरे से खाली नहीं है। ऊपर से कभी भी पत्थर वगैरह गिर सकते हैं, मतलब कभी वो ऊपर से टूट सकता है, कोई भरोसा नहीं है। बाकी यहाँ पर छोटा वाटरफॉल है जो कि ऊपर से आता है भाई, ये देखिए। और एक यहाँ नीचे की साइड है। और यहाँ रास्ते भर में देखिए भाई, पानी ही पानी है, और रास्ता भी देखिए ऐसे उबड़ खाबड़ वाला हो गया है, और ये हुआ है पानी के कारण, और ऊपर से कुछ पत्थर वगैरह गिरे। तो दो वाटरफॉल वहाँ पे हैं और एक वाटरफॉल यहाँ पे है जो कि ऊपर पहाड़ियों से आता है, और ये काफ़ी, ये देखिए कम दिखाई दे रहा है लेकिन काफ़ी भयंकर भी आता है, नदी का जैसा। अभी एक हफ्ता ही हुआ सावन का महीना स्टार्ट हुए कि मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो पूरा यहाँ तक आया हुआ रहता है, और यहाँ पे देखिए रेत भी आ गई है, और अपने साथ काफ़ी सारी लकड़ियाँ वगैरह, कपड़े वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें बहा के ले आया है वही मंदाकिनी नदी भी ऊपर से। अब में से किसी ने ये कमेंट भी किया था कि मंदाकिनी नदी ना खेतों से कितनी दूर है, तो यहीं पे भाई मंदाकिनी नदी, ये देखिए। और यहाँ पे वो भी है, एक घर टाइप का है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। हम अपने गांव के पुल में भी पहुँच गए हैं, और यहाँ पे ना दो का संगम होता है, एक गदेरे का और एक नदी का। तो गदेरा जो आता है ये ऊपर गविनी घाट से आता है जो कि यहाँ पर आके मंदाकिनी नदी में मिल जाता है, और आजकल गविनी घाट का जो पानी है वो काफ़ी खतरनाक आ रखा है। और यहाँ देखिए वो मंदाकिनी नदी। चढ़ाई वाला रास्ता तय करने के बाद अभी ना हम सीधे रास्ते में पहुँच गए हैं। अब यहाँ से रोड थोड़ी दूराई पर, और काफ़ी भयंकर धूप भी लग गई है, और मम्मी को ना थकान भी लग गई है, तो अब बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे।
जैसे ही हम फाटा मार्केट से थोड़ा आगे बढ़े ही थे, हमें गुप्तकाशी के लिए गाड़ी भी मिल गई थी उधर रास्ते से ही, लेकिन हम यहाँ पे फंस गए हैं भाई डौलिया के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो रही है। रात में काफ़ी भयंकर बारिश लगी जिससे कि ऊपर से पूरा पहाड़ टूट के नीचे रोड में आया, तो यहाँ पे गाड़ियाँ रुका रखी हैं और गाड़ियाँ देखिए लाइन से खड़ी हैं और काफ़ी लंबा ट्रैफिक लग रखा है यहाँ से लेकर और उधर तक लगा हुआ है ट्रैफिक। बाकी जो ये बाइक वाले हैं वो जा रहे हैं इधर वाले रास्ते से, उन्हें निकलना है उधर तक। एक दो घंटे जाम में फंसने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी मार्केट में और थोड़ा बहुत शॉपिंग की, तो अभी हम यहाँ पर गाड़ी को देख रहे हैं। अभी गाड़ी भी नहीं लगी है उधर की साइड, बाकी ना काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है गुप्तकाशी मार्केट में। तो चलिए जी, अभी हम ना एक होटल में आ गए हैं, काफ़ी भयंकर भूख लग गई थी तो अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये जी लंच करने के बाद अभी हम फाटा मार्केट वाली गाड़ी में भी बैठ गए हैं, मतलब ये गाड़ी जाएगी फाटा तक। और मम्मी यहाँ पे सामान रखे, मम्मी आपने क्या क्या खरीदारी की? ये चुनरी। अच्छा, मम्मी के लिए, मम्मी ना अपने लिए एक चुन्नी लाई और बाकी सूट दी सिलवाने के लिए, मतलब वहीं पर रखी और वहीं पर सिलवाने के लिए दे दी। तो अब चलते हैं घर की तरफ, ठीक है? और वैसे आज काफ़ी आफत आ गई मम्मी, अब ट्रैफिक मिलेगा। आप हम यहाँ डौलिया पे आए थे कि फिर से वहाँ उधर की साइड टूट गया है और यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लग गया है भाई, ये देखिए यहाँ से लेकर उधर तक। सामने पे जो पहाड़ी है वो काफ़ी डेंजर है भाई, यहीं पे देखिए भाई टूट फूट होती रहती है, इसलिए यहाँ पे ना जाम लगता है। तो दोस्तों अभी हम ना डौलिया से काफ़ी इधर आ गए हैं क्योंकि उधर की साइड काफ़ी भयंकर टूट रहा है, जहाँ पर गाड़ी खड़ी है ना वहाँ से भी ऊपर से टूटने वाला है। तो अभी ना जो पुलिस वाले थे ना वहाँ पे, जो कर्मचारी लोग लगे हुए थे ना वहाँ पे ड्यूटी देने पे, तो उन्होंने बोला कि पीछे पीछे जाओ और जो लोकल हैं वो पैदल जाओ, तो अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। लाइफ भाई बहुत सेफ्टी है भाई, आज तो ऐसा लग रहा है ना बेकार ही निकले घर से। तो हमें जाना है यहाँ खाट गाँव से होकर, तो चलते हैं भाई। तो ये रहा केदार घाटी का खूबसूरत गांव खाट गांव। तो खाट गांव में देखिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा रास्ता है, इधर उधर से देखिए गुलाब के पौधे हैं, इधर उधर साइड लोगों ने राजमा, और यहाँ ज़्यादातर धान और मंडवे की खेती है, और जो ना बीन्स वगैरह होती है ना तो उन पर देखिए डंडे वगैरह लगाए गए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर बसा हुआ है खाट गांव। एक ब्लॉग डाला था जिसमें कि मैंने डाला था कि मछली की पकौड़ियाँ बनाई, तो वो मछली नहीं थी, वो है चौलाई, मतलब दिखती तो मछली की तरह है लेकिन वो मछली नहीं है ना। मम्मी और कमेंट कर रखा था कि आप मछली खाते हो और ये सो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली, तो ऐसा नहीं है। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, और हमने ना वो चौलाई के पत्तों की बना रखी थी, वो मछली टाइप की दिख रही थी, लेकिन हमारे ना पहाड़ों में उसको मछली भी बोलते हैं, गुनालू भी बोलते हैं ना,
गुनलू बोलते हैं तो मच्छी पकौड़ी बोलते हैं। हाँ, और मेरे पापा ना मच्छी पकौड़ी बोलते हैं, तो तब से हम मच्छी पकौड़ी बोलते हैं ना। और मैंने हमने पहली बार बनाई ये डिश, तो आप लोगों ने ये सोचा कि मैं मच्छी बना रही हूँ, मच्छी ऐसा नहीं है भाई। लोगों ने ना ये इसलिए बोला होगा क्योंकि आप लोगों ने पूरा ब्लॉग नहीं देखा, तो प्लीज़ आप ना बिना पूरा ब्लॉग देखे ऐसे नेगेटिव कमेंट मत किया करो। और वैसे ना हमें मतलब हमने मछली बनाई भी नहीं, पसंद नहीं है तो बनाना दूर की बात है। मैंने वो चौलाई से बनाई थी और पहली बार आप लोगों के साथ शेयर की। मेरे पापा ना उसको मच्छी बोलते थे, इसलिए हम भी मच्छी बोलते हैं ना मम्मी। तो प्लीज़ आप पूरा ब्लॉग देखे बिना ही नेगेटिव कमेंट मत किया करो। एक पहाड़ी रेसिपी शेयर करी थी हमने, मदल डाली थी वो, तो हमने उस वो पत्तों पर वो लगाई हमने बेसन, और उसमें मिर्च मुर्च घर की जो पीसी हुई मिर्च थी वो बनाई हमने तेल में तली वो। तो कहीं लोगों का कमेंट गंदे गंदे कमेंट आ रखे थे कि ये हो ये मछली खा रहे हैं वो का, तो पूरी वीडियो देखना तब करना कमेंट, ऐसे फालतू कमेंट मत करना। तो दोस्तों चलिए जी, रात का डिनर भी बनके तैयार हो गया है। डिनर में मैंने बना रखा है चावल दाल, सलाद में है खीरा और साथ में रोटी बना रखी है। तो चलिए जी अब डिनर कर लेते हैं।